आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर, अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।